नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार हत्या के पहले उसने पति को काढ़े में नींद की गोलियां मिलाकर दी, जिससे पति गहरी नींद में सो गया। वहीं पति के सोते ही पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमी को बुलाया और हथौड़ी और डंडे से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान पत्नी और उसका प्रेमी कार डिक्की में डेड बॉडी लेकर घूमते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि दोनों पकड़े जाएंगे तो शव को लेकर दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल ये मामला राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स इलाके का है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बीते मंगलवार दोपहर कटारा हिल्स थाने में एक महिला पहुंची और पुलिसकर्मियों को बताया कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी है और कार की डिक्की में उसके पति का शव पड़ा हुआ है। महिला को शव के साथ देखकर पुलिस दंग रह गई। तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया गया। वहीं कार की डिक्की खुलवाई तो उसमें खून से लथपथ एक शव पड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसका पति उसके चरित्र पर शंका करता था और उसे मारने की धमकी भी देता था, इसलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वहीं लगभग एक महीने पहले उसने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ लिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। पुलिस ने बताया कि धनराज मीणा, जिसकी उम्र 39 साल थी, वह सीहोर के रहने वाले थे। भोपाल में हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल होने वाले पाइप का बिजनेस करते थे। साल 2014 से कटारा हिल्स इलाके में सागर गोल्डन पार्क में पत्नी संगीता, बेटे आयुष और बेटी के साथ रहते थे। इस मामले में एएसपी ने बताया कि पुलिस की गई कार्रवाई में पता चलता है कि मृतक की पत्नी के पड़ोस में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशीष पांडे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं पति को मौत के घाट उतारने के लिए घटना की रात आरोपी पत्नी संगीता ने अपने पति को काढ़ा पिलाया और उसमें नींद की 10 गोलियां डाल दी। वहीं नींद की गोलियों वाला काढ़ा पीकर जब पति धनराज सो गया तो संगीता ने प्रेमी को घर पर बुलाया और लोहे की रॉड से उसके सिर पर कई वार करके पति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद प्रेमी आशीष की कार में डेड बॉडी रखकर दोनों शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ही लेगी तो उन्होंने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बता दें कि आरोपी संगीता का प्रेमी आशीष शिवपुरी का रहने वाला है। उसने IIT ग्वालियर से साल 2012 में BE किया है। इसके बाद वह जॉब करने लगा था। वहीं पत्नी निजी स्कूल में टीचर है, साथ ही पिता बैंक से रिटायर्ड हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आशीष के दादा को नींद नहीं आती थी, इसलिए वह उनके लिए दवा लेकर आता था। उसे इस बात का अच्छी तरह से पता था कि उस दवा से धनराज गहनी नींद में सो जाएगा, जिसके बाद उसकी हत्या करना आसान हो जाएगा। ऐसे में आशीष सोमवार रात को पत्नी को यह बताकर निकला था कि उसकी नाइट शिफ्ट है, इसलिए पत्नी को भी शक नहीं हुआ। वह कार से संगीता के घर पहुंच गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर धनराज को मौत के घाट उतार दिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।